हेलो फ्रेंड्स, गाड़ियों में चाहे पेट्रोल की हो, डीजल की हो या सीएनजी की या फिर हाइब्रिड, लेकिन एक नाम जो तेजी से ऊपर आ रहा है वो है बिजली वाली गाड़ियों का, यानी ईवी, इलेक्ट्रिक व्हीकल। इलेक्ट्रिक व्हीकल के सामने अगर बात करें तो एक बड़ी समस्या आज के वक्त में है, वो है इसके रेंज की, इसके अलावा चार्जिंग में लगने वाले टाइम की। तो इसी को आज हम देखेंगे, समझेंगे। एक लॉन्ग ड्राइव पर हम चल रहे हैं और रियल ग्राउंड पर जो कुछ भी आएगा वो आप तक हम पहुंचाएंगे, दिखाएंगे। और इसके लिए जो माध्यम गाड़ी बन रही है वो है MG की ZS इलेक्ट्रिक व्हीकल। अब इसके रेंज की बात करें तो कंपनी कह रही है कि 461 किलोमीटर एक चार्ज में जा सकती है। इसके साथ ही साथ एक घंटे में 0 से 80% तक चार्ज हो सकती है अगर DC चार्जर का आप इस्तेमाल करें तो। तो देखते हैं इन दावों में क्या सच्चाई है और क्या कुछ है इसमें खास। आइए तो दोस्तों, जर्नी की शुरुआत हो गई है। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं 89% बैटरी चार्ज है और जो रेंज दिखा रहा है वो 315 किलोमीटर का। तीन मोड है इसको चलाने के, इको, नॉर्मल और स्पोर्ट्स। इको पे आपको अच्छा जो है वो रेंज मिलता है, तो हमने इको पे रखा हुआ है, ट्रिप जीरो कर दिया है। तो यहाँ से अब काउंट हो रहा है कि कितने किलोमीटर तक फाइनली ये जा रही है, बाकी हम बाद में कैलकुलेट करके आपको बताएंगे कि जो इसका दावा है उसमें ये कितनी खरी उतर रही है। वेदर अच्छा हो और आपकी गाड़ी में सनरूफ हो तो फिर तो सफ़र का आनंद ही कुछ और है। तो यहाँ इसमें सनरूफ आपको मिल रहा है और साथ ही साथ पैनोरमिक है, यानी शुरू से लेकर आखिर तक आपको सनरूफ का मज़ा मिलेगा। दो लेयर हैं, कर्टन फर्स्ट लेयर जिसमें सिर्फ उजाला आएगा और बाकी सेकंड लेयर जो जहाँ पर ग्लास लगा हुआ है अगर वो भी साथ में खुलेगा तो पूरी तरह से आसमान का नज़ारा और फील के साथ आप ड्राइव को एंजॉय कर पाएंगे। दोस्तों चलते हुए हमें भी थोड़ा टाइम हो गया है और यहाँ भी चार्ज करने की ज़रूरत पड़ गई है, तो हम यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुकेंगे। लेकिन जाने से पहले अंदर मैं आपको बता दूं कि बैटरी की क्या सिचुएशन हो गई है। आइए ज़रा तो देखिए, अभी 36% बैटरी बची हुई है और धड़कन मेरी जो है थोड़ी बढ़नी शुरू हो गई है क्योंकि अभी और आगे तक जाना है। शुरुआती दौर में आपको याद दिला दें कि 89% जो है बैटरी थी, रेंज दिखा रहा था 315, अभी 36 बचा हुआ है। कैलकुलेट करें तो टोटल 53% जो है इसमें यूज़ हुआ है और इस 53% में चलना चाहिए था 187 किलोमीटर, लेकिन ये चली है रेंज जो है वो 134 किलोमीटर, पूरे कैलकुलेशन के बाद जो मैं आपको बता रहा हूँ। यानी कहीं ना कहीं ये जो रेंज होना चाहिए था उसमें ड्रॉप हुआ है। तो एनी वेज, फाइनली क्या होता है जब हम डेस्टिनेशन पर पहुंचेंगे तो बताएंगे कि रेंज जो इसने क्लेम किया था वो कहां तक इसने अचीव किया है। फिलहाल लेकिन ईंधन यहां, चार्ज यहां आता है। चलिए अब सफर को आगे बढ़ाते हैं। मैंने तो खुद को चार्ज कर लिया, अभी गाड़ी चार्ज नहीं हुई है। कोई चार्जिंग पॉइंट देख के वहाँ भी इसे चार्ज करना ज़रूरी है क्योंकि जैसा मैंने कहा है कि डर लगना मुझे शुरू हो गया है। आइए, दोस्तों इस ट्रिप में हमने फुल थ्रिल का भी मज़ा लिया। कैसे, देखिए सामने है आपके 7% बैटरी बची हुई है, रेंज दिखा रहा है 29 किलोमीटर, यानी 29 किलोमीटर और जा सकता है। हमें जाना है 14 किलोमीटर, हमारा जो डेस्टिनेशन है 14 किलोमीटर पर है। सेफ साइड हमने AC बंद कर दिया है इसलिए क्योंकि जो ये रेंज दिखा रहा है उससे थोड़ा कम ही परफॉर्मेंस है इसका, तो हमारी स्थिति आप समझ सकते हैं। देखते हैं हम वहाँ पहुँचते हैं या नहीं, क्योंकि चार्जिंग स्लॉट हमने तय किया है कि जो हमारे डेस्टिनेशन पे है, होटल पे है, वहीं चार्ज करेंगे। तू ना चलेगा चल देंगी ये राहें, मंजिल को तरसेंगी तेरी निगाहें, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, ईवी तुझे चलना होगा, 7% पे तुझे 14 किलोमीटर चलना होगा। तो दोस्तों जैसा कि हमने सोचा था कि अपने फाइनल डेस्टिनेशन पर जहां चार्जिंग का स्लॉट है वहीं पर सीधे जाकर चार्ज करेंगे, तो हम यहां पहुंच गए हैं। सामने चार्जिंग जोन है और अब आपको जरा अंदर की हालत दिखाते हैं कि अंदर
कितने परसेंट बैटरी बची है, कितनी दूर चली, वो कैलकुलेशन भी देखिए। तो देखिए फिलहाल 2% बैटरी बची हुई है, 6 किलोमीटर और चल सकती है, रेंज ये दिखा रहा है, और हम चल चुके हैं 221.6 किलोमीटर। और जैसा कि शुरू में जब हम चले थे तो जैसा मैंने आपको बताया था कि 89% बैटरी थी और रेंज 315 का, यानी कुछ किलोमीटर अगर और जोड़ लें जो 2% की बैटरी है, तो भी जो डिफरेंस निकल रहा है ना, जो क्लेम ये कर रही है रेंज के अकॉर्डिंग, उसमें तकरीबन 95 किलोमीटर हमें कम मिला है। तो ये एक तय हो रहा है कि जो रेंज इसमें दिखा रहा है उससे आपको कम मिलेगा। हमने जबकि इको में ही गाड़ी चलाई है, बीच में हमने एसी बंद भी कर दी है ना, लेकिन फिर भी जो एग्जैक्ट रेंज है वो नहीं है, वो कम है। और जितना मैं आपको बता रहा हूँ, जितनी दूरी हमने चली है उसमें 95 किलोमीटर कम रेंज हमें मिला है। तो दोस्तों ये है चार्जिंग स्टेशन, यहाँ पर गाड़ी चार्ज के लिए लग गई है। ये भी शुरुआती दौर है, इस तरह के चार्जिंग स्टेशन आपको शहरों में अलग अलग जगहों पर हाईवे पर जो है बड़ी संख्या में धीरे धीरे देखने को मिल जाएंगे, लेकिन फिलहाल मैं आपको चार्जिंग की प्रक्रिया फटाफट बता देता हूँ। देखिए इस तरह के ये इस तरह का स्टेशन आपको मिलेगा, हर कंपनी का इसमें अलग अलग कंपनियां हैं चार्ज करने के लिए, हर कंपनी का अपना अलग अलग ऐप होता है, चाहे आपके पास एंड्रॉयड हो या फिर एप्पल iOS, उसका ऐप डाउनलोड करेंगे अपने फ़ोन में आप, उसके बाद उसके वॉलेट में कुछ पैसे डालेंगे, फिर आपकी गाड़ी की कितनी रिक्वायरमेंट है यानी किलोवाट के हिसाब से या यूनिट के हिसाब से वो आप उसमें चूज़ करेंगे और आपकी गाड़ी चार्ज होनी शुरू हो जाएगी। अब इसका जो पूरा प्रोसेस है ना वो थोड़ा सा समझ कॉम्प्लिकेटेड है, हमें भी बड़ा प्रॉब्लम हुई कि कभी केबल निकालो फिर डालो फिर चार्जिंग फिर उसको स्कैन करो, धीरे धीरे जो है लोग इसके लिए फेमिलियर हो जाएंगे, शुरुआती दौर है तो थोड़ी सी मुश्किल आ रही है। तो इस तरह से आप अपनी गाड़ी को चार्ज कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि दो तरह से चार्जिंग हो सकती है, एक एसी चार्जिंग और दूसरी डीसी चार्जिंग। ये जो हो रही है वो डीसी चार्जिंग है। डीसी चार्जिंग में क्या होता है कि तेजी से गाड़ी को चार्ज किया जा सकता है। कंपनी इसमें जो क्लेम कर रही है कि 60 मिनट में यानी एक घंटे में 0 से 80% तक चार्ज किया जा सकता है। वैसे जो मैं कैलकुलेशन देख रहा हूँ उसमें थोड़ा टाइम और लगेगा, आधे घंटे और लगेगा। और एसी चार्जिंग की बताऊँ तो वो 9 से 10 घंटे तक लेती है एसी चार्जिंग, चाहे आप यहाँ पे करें या फिर कहीं अपने घर पे नॉर्मल पावर प्लग से। दोस्तों इलेक्ट्रिक व्हीकल में रेंज अच्छा मिले ये इस पे भी डिपेंड करता है कि आपकी ड्राइविंग कैसी है, साथ ही साथ इसके फीचर्स का आप कितना इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में आजकल एक फंक्शन होता है रीजन का, रीजनरेटिंग ब्रेकिंग सिस्टम, यानी इसमें क्या करता है कि जब आप गाड़ी आपकी जो है कहीं भीड़ भाड़ वाली जगहों पर रहती है, यहाँ आपको ब्रेक लगाना पड़ रहा है, थोड़ी उबड़ खाबड़ रास्ते हैं, तो वहाँ पर ये फंक्शन काम करता है, अच्छे से काम करता है और आपकी गाड़ी जो है वो चार्ज भी होती रहती है। पहाड़ों पे अगर आप गए और जब उतर रहे होते हैं वहाँ पे आपने रीजन ऑन कर दिया तो वो बहुत तेज़ी से चार्ज होती है गाड़ी। अब इसका इस्तेमाल आपको करना है अगर हाईवे पर आप जा रहे हैं। अच्छा देखिए इसमें 3 इसके लेवल होते हैं रीजन के, 1, 2, 3। 1 में आपको तब चलना है जब हाईवे पे है, 2 जब मिक्स है, जब उबड़ खबड़ थोड़ा भी है और ब्रेक भी लगाना पड़ रहा है और थोड़ा क्लीन रास्ता है तो 2 पे रखिए। ज़्यादातर इस तरह का भीड़ भाड़ वाली जगह हैं या फिर बिल्कुल आप स्टीप नीचे उतर रहे हैं तो आपको 3rd पे रखना है। ये हमने यहाँ पे ध्यान नहीं रखा था तो हमने 3rd पे ही रखा जबकि हम चल रहे थे हाईवे पे, तो वो कहीं ना कहीं आपके रेंज को जो है वो मारता है, कम करता है। दूसरी बात ये है कि आपको मोड जो है वो इको मोड पर रखना है। मोड 3 है यहाँ पर, नॉर्मल, इको और स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स पे सबसे कम रेंज मिलता है और जो है नॉर्मल पे उससे कम और इको पे सबसे बेहतर। तो इको पे तो हमने रखा हुआ था। इसके अलावा अगर क्रूज़ कंट्रोल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए एक बार फिर से हम कोशिश कर रहे हैं कि रेंज मापा जाए, देखा जाए कितना मिलता है। सेम वही स्थिति है, 89% बैटरी बची और रेंज इस बार दिखा रहा है 302। देखते हैं फाइनली क्या रेंज इस बार देती है ये। तो ये मोड मैंने कर दिया इको और फिर एक कोशिश और। वाओ, चलो उनसे उम्मीदों की उम्र, आकाश की ऊंचाई और सपनों की गहराई मांग लाए। तो इस ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल का रेंज तो हम आपको बता ही रहे हैं एग्जैक्टली रियल ग्राउंड पर कितना निकलता है, लेकिन चलते चलते आपको इसके तमाम फीचर्स भी बता देते हैं ताकि इस व्हीकल को बेहतर तरीके से समझने में आपको आसानी मिले। देखिए अगर किसी गाड़ी को
अच्छे मार्क आप देते हैं ना, तो अच्छे मार्क्स तब देंगे मेरे हिसाब से जब उसका सेफ्टी फीचर भी काफ़ी अच्छा और एडवांस हो। देखिए एयरबैग तो इसमें आपको मिलते हैं, सेफ्टी फीचर है वो भी, लेकिन वो एक्सीडेंट के बाद काम करता है आपको पता ही है। लेकिन जो टेक्निकली फीचर्स हैं वो अगर बढ़िया हो तो वो एक्सीडेंट के पहले की वो कदम है या फिर वो इस तरह के फीचर्स हैं जो काम करते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन का ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, जिसके ज़रिए ब्लिंक करके ये आपको वॉर्न करेगा अगर कोई भी व्हीकल आपके पीछे आपके जो है जद में यानी आपकी गाड़ी के आसपास अगर दिखती है या नज़दीक आती दिखती है तो तुरंत इसके ज़रिए वॉर्न करेगा ये। साथ ही साथ लेन चेंज आप करेंगे तो वो आपको असिस्ट करेगा। रेयर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट है इसमें, यानी पीछे से भी अगर कोई कोई गाड़ी क्रॉस करती है तो वो अलर्ट देता है, ये एक अच्छी बात है। साथ ही साथ अडास लेवल 2 इसमें आ चुका है। अडास ये ड्राइवर को असिस्ट करने वाला फीचर है, काफ़ी एडवांस, और इसमें दो लेवल के आ रहे हैं जिसमें सेकंड लेवल और फर्स्ट लेवल। फर्स्ट लेवल में इनिशियल लेवल के कुछ वार्निंग होती है, सेकंड में बहुत सारे फीचर्स ऐड हो जाते हैं, यहाँ तक कि स्टेयरिंग भी जो है गाड़ी खुद से ऑटोमेटिकली अपने कंट्रोल में ले सकती है। तो ये एक अच्छी बात है फीचर को लेकर अगर देखा जाए तो। देखिए गाड़ी में अंदर आते ही जो चीज़ें दिख रही हैं वो मैं आपको बताता हूँ। एक देखिए ये स्क्रीन आपको 25.7 सेंटीमीटर का HD टच स्क्रीन है, जिसमें गाड़ी से रिलेटेड तमाम तरह के इंफॉर्मेशन और या कह लें इंफोटेनमेंट, इंफॉर्मेशन के साथ साथ एंटरटेनमेंट सब कुछ इसमें आपको दिखेगा, कंट्रोल कर सकते हैं, टच अच्छा है इसका। 35+ इंग्लिश यानी हिंदी और इंग्लिश के वॉइस कमांड ये लेता है, अगर आप बोलेंगे हेलो MG आई एम लिसनिंग इस तरह से ये रिस्पॉन्ड करता है, आप चाहें जो भी कमांड दें। इसके अलावा 100+ वॉइस कमांड इसमें दूसरे तरह के हैं। बाकी स्टेयरिंग के बारे में आपको यहाँ पे बताऊँ, जो कुछ भी दिख रहा है तो देखिए यहाँ पे आप फ़ोन इससे कनेक्ट कर सकते हैं, वॉइस कमांड के लिए एक बटन यहाँ पर दिया हुआ है, रेडियो चला सकते हैं, फ़ोन आप यहाँ से उठा सकते हैं, काट सकते हैं, तो ये यहाँ पर ये फीचर यहाँ पे तमाम दिया हुआ है। साथ ही साथ अगर यहाँ पे इसके क्रूज़ कंट्रोल की बात करें, क्रूज़ कंट्रोल आप जानते हैं कि आप अगर हाईवे पे जा रहे हैं और एक फिक्स स्पीड देकर गाड़ी को चाहते हैं कि चलती रहे और आपको ज़्यादा थकान ना हो, साथ ही साथ रेंज भी अच्छा मिले, तो उसके लिए ये बटन यहाँ पे दे रखा है, इसके ज़रिए आप क्रूज़ कंट्रोल का मज़ा ले सकते हैं। बाकी नए वर्जन में इसका अडाप्टिव वर्जन भी आ चुका है तो वो भी आपको मिलेगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर आज के टाइम में आप कहीं सफ़र कर रहे हैं तो आपका फ़ोन आपके साथ रहता है, तो चार्जिंग का यहाँ पे अरेंजमेंट है ना, इसके अलावा सी टाइप भी है। इसके साथ ही साथ एक अच्छी बात ये भी है कि इस जगह पर आप वायरलेस चार्जर की भी व्यवस्था है, मोड अब इसमें दिए हुए हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि 3 अलग अलग मोड हैं इसके, नॉर्मल, इको और स्पोर्ट्स। इसके अलावा रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम यहाँ से कंट्रोल होता है। बैटरी का लेवल देखना चाहेंगे अगर आप इसके ज़रिए तो देख सकते हैं कि बैटरी कितनी बची हुई है। ये बटन है जिसमें आप ड्राइव अगर आप करना चाहते हैं तो राइट कीजिए तो ड्राइव मोड पे, न्यूट्रल पर रखना चाहते हैं तो यहाँ पर, और अगर रिवर्स करना चाहते हैं तो ये दबाएंगे। बाकी स्क्रीन भी इसका 360 ऑन हो जाएगा तो उससे भी आप एक्चुअल अपनी कार की स्थिति को समझ पाएंगे। ये आपका पार्किंग के वक्त हैंड ब्रेक का इस्तेमाल यहाँ से आप कर सकते हैं ऊपर खींचकर, और जब उसको रिलीज़ करना है तो नीचे दबा दीजिए। आर्मरेस्ट के लिए ये जगह है, और साथ ही साथ इसके नीचे इतना खासा अच्छा खासा जगह भी है, साथ में यहाँ पे 2 कप रखने के लिए जगह है। और अब बात गाड़ी के पावर की, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो पावर है इसका 176 PS काफ़ी अच्छा है। टॉर्क जब आप चढ़ाई पे जाते हैं वहाँ गाड़ी का परफॉर्मेंस उसके ज़रिए दिखता है, तो 280 Nm का टॉर्क है। जब हम ड्राइव कर रहे हैं तो हम देख भी रहे हैं कि किस तरह से गाड़ी तुरंत स्पीड में आ जा रही है, पिकअप ले रही है, वो काफ़ी इम्प्रेसिव स्पीड जो है 0 से 100 पकड़ने में 8.5 सेकेंड कंपनी बता रही है इसको। पीछे की सीट कंफर्टेबल है या नहीं ये भी जानना ज़रूरी है, तो पीछे की सीट पे मैं हूँ और आप देख सकते हैं कि हेडरूम प्रॉपर है, लेगरूम भी मुझे ठीक ठाक मिल रहा है, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे पीछे की सीट पर आपको AC वेंट भी मिलेगा, तो यहाँ पर भी आप AC का मज़ा ले सकते हैं। साथ ही साथ अगर फ़ोन चार्ज करना है तो एक स्लॉट यहाँ पर चार्जिंग के लिए दिया हुआ है। सी टाइप का भी यहाँ पर ये अरेंजमेंट है।
लो जी दोस्तों, तो हम फाइनली पहुंच गए अपने डेस्टिनेशन पे, यानी जहां से हम चले थे। तो एक तरफ से जब हम जहां गए थे वही सेम डिस्टेंस हम वहां से वापस आए हैं। जाने में जैसा आपने देखा कि बैटरी जो है हमारे पास सिर्फ 2% बची हुई थी, और अगर रेंज की बात करें तो 95 किलोमीटर रेंज में गिरावट आई थी जो उस समय गाड़ी ने दिखाया था। अब ज़रा देखिए हकीकत क्या है। हमने तरीके से चलाया हुआ है जो जो नॉर्म्स हमें फॉलो करने थे, और 19% जो है बैटरी बची हुई है, और रेंज अगर बात करें तो 63 है ना। अगर पूरा कैलकुलेट करें और देखें तो हमने तकरीबन 50 किलोमीटर जो रेंज है वो ज़्यादा हासिल किया है। और देखिए हमने बस ज़्यादा कुछ नहीं किया, क्रूज़ कंट्रोल का इस्तेमाल किया, और जो रीजन है वो हमने 1 में रखा जो पिछली बार 3 में डाला हुआ था। और अगर एसी की बात करें तो एसी भी हमने इस बार कहीं बंद नहीं किया। वहाँ पे तो उस समय एसी बंद करना पड़ा था इस डर में कि कहीं बीच में ना गाड़ी रुक जाए। और एक और बात है, अगर आप रीजन का, चूँकि हम एक्सप्रेसवे पे चल रहे हैं तो रीजन का इस्तेमाल कहीं नहीं हुआ। अगर रीजन का भी इस्तेमाल अगर इसमें होता ना तो और भी ज़्यादा माइलेज मिलता। वो तब होता है जब आप पहाड़ी एरिया पे हों या फिर भीड़ भाड़ वाली जगहों पे हों। तो ये है हकीकत इस व्हीकल। तो दोस्तों MG के इस इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में सारी जानकारी हमने आप तक पहुंचा दी। रियल ग्राउंड पर हमने क्या महसूस किया वो भी आपने जाना। अब फैसला आपके हाथ में है। बाकी इसको लेकर, इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर स्पेशली जो थोड़ी बहुत दिक्कतें आ रही हैं वो वक्त के साथ ही दूर होंगी, क्योंकि अभी अपने ये इनिशियल फेज में है। तो आज के लिए इतना ही, जल्दी फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।